इवेंट ऑर्गेनाइजर की स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन और हक फाउंडेशन की संस्थापक फरक नकवी। उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तीन तलाक के मुद्दे पर इस्लाम धर्म गुरुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इस्लाम की गलत तस्वीरों को दिखाया जा रहा है। तीन तलाक जैसी चीज, अगर तलाक हो जाता है तो लड़का उनके पास पहुंच जाता है और वह तलाक को मान्य करने के लिए 2000 रुपए में फतवे दे देते हैं। वह अपनी दुकानें चलाते हैं। इस तरीके के जो काम होते हैं वह कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जिन्होंने इसको इशू बना रखा है। वही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फरक नकवी ने कहा कि रही बात कांग्रेस की, जो राज्यसभा में बिल पास नहीं होने दे रही है, इसके लिए हमने कई बार माननीय राहुल गांधी जी को पत्र में लिखा है, यह बिल पास नहीं होने दिया जाए। इसको राजनीतिक स्तर से नहीं देखा जाए। तीन तलाक का जो बिल है वो महिलाओं के उत्पीड़न का मामला है, जो गलत दिशा दिखा रही है। ये पार्टी स्तर का मामला नहीं है, ये कुछ कथित धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं जो इस्लाम की गलत तस्वीर दिखाते हैं। तीन तलाक जैसी चीज के अगर तलाक हो गई तो लड़का अगर उनके पास पहुंच जाता है तो तलाक को मान्य करने के लिए 1000-2000 में फतवे दे देंगे, वो अपनी दुकानें चलाते हैं। इस तरीके के जो काम होते हैं तो ये धर्म के कुछ ठेकेदार हैं जिन्होंने इस चीज का इशू बना रखा है। रही बात कांग्रेस जो राज्यसभा में बिल नहीं पास होने दे रही है, उसके लिए हमने माननीय राहुल गांधी जी को कई बार पत्र लिखा, अभी भी हमने 10-15 दिन पहले एक पत्र भेजा है कि ये बिल पास होने दिया जाए, क्योंकि इसको राजनीतिक स्तर से ना देखा जाए। तीन तलाक का जो बिल है ये महिलाओं के उत्पीड़न का मामला है, इसकी आवाज महिलाओं ने उठाई है। वो मुस्लिम बहनें जो अभी तक घर में दब कुचल के रहती थी, आज वो मुस्लिम बहनें अपने सर पे कफन बांध के सड़कों पे उतर आई हैं। तो ये मामला महिलाओं के उत्पीड़न का है, महिलाओं के दर्द का है, इसमें सब अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ये गलत। रामपुर से बाबर खान।